अमिताभ बच्चन और पूरी बच्चन फैमिली हमेशा सबकी फेवरेट रही है। खासकर बच्चन फैमिली में एक दूसरे में जो बॉन्डिंग देखने को मिलता है वो हर किसी को बेहद पसंद आती है। लेकिन उनके बीच बॉन्डिंग के साथ एक सच ये भी है कि हर परिवार की तरह बच्चन फैमिली के भी कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। लेकिन चूंकि बच्चन फैमिली अपनी सोशल इमेज के लिए बहुत कॉन्शियस है, इसलिए वो फैमिली से जुड़ी किसी भी तरह के नेगेटिव बातों को सामने नहीं आने देते। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बच्चन फैमिली के उन डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं जिनको जानने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। नंबर वन, श्वेता बच्चन का तलाक हो चुका है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्वेता बच्चन का डिवोर्स हो चुका है। पिछले कुछ सालों से श्वेता अपने माता पिता के साथ ही रह रही है। जब भी अमिताभ बच्चन के परिवार की फोटोज दिखाई देती है तो उसमें श्वेता फैमिली फोटो में जरूर नजर आती है। यहाँ तक कि श्वेता के इंस्टाग्राम पर भी उनकी बेटी बेटे से लेकर भाई भाभी संग अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ क्लिक की गई फोटोज ही दिखाई देती है। लेकिन इन फोटोज में उनकी अपने पति के साथ कोई फोटो नहीं आती है। कहा जाता है कि दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन बच्चन फैमिली ने यह बात अब तक छिपा कर रखी है क्योंकि उन्हें लगता है कि तलाक की बात से बच्चन फैमिली की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि श्वेता बच्चन की शादी काफी कम उम्र में ही निखिल नंदा के साथ 1997 में हो गई थी। उनके दो बच्चे हैं, बेटी नव्या नवेली नंदा और बेटा अगस्त नंदा, लेकिन दोनों की बनी नहीं और उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। नंबर दो, जया बच्चन की बेटी श्वेता के साथ नहीं बनती। माँ जया बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन जब भी पब्लिक अपीयरेंस में नजर आती हैं या लाइमलाइट शेयर करती हैं, उस समय दोनों के चेहरे पर माँ बेटी वाला प्यार और बड़ी सी मुस्कुराहट होती है। उनकी फोटोज देखकर यही लगता है कि दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती है, जबकि सच ये नहीं है। दरअसल श्वेता की शादी मात्र 21 साल की उम्र में हो गई थी और खबरों के अनुसार माँ जया के दबाव के कारण श्वेता को इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी थी। पर श्वेता की ये शादी बहुत खुशहाल नहीं रही। सूत्रों की माने तो श्वेता आज भी अपनी इस जिंदगी और डिवोर्स की वजह अपनी माँ को मानती है। जाहिर है ऐसे में माँ बेटे के रिश्ते में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है। नंबर तीन, जब अमिताभ बच्चन को बी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी थी। अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा का महानायक कहा जाता है। न जाने कितनी हिट फिल्मों में अपने बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों को एंटरटेन किया है, लेकिन इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी उन्हें एक बी ग्रेड फिल्म ब्रूम करनी पड़ी। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने सॉफ्ट पोर्न तक का दर्जा दिया था। कहा जाता है कि ये बी ग्रेड फिल्म करने की वजह बिग बी की खराब फाइनेंशियल हालत थी। उस समय वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे, ऐसे में सिर्फ पैसों के लिए बिग बी को ये फिल्म करनी पड़ी। नंबर चार, ऐश्वर्या श्वेता में भी है 36 का आंकड़ा। श्वेता बच्चन की अपनी भाभी ऐश्वर्या राय से नहीं बनती है। खबरें तो यह भी है कि दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां हैं कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। पब्लिक अपीयरेंस या किसी इवेंट में अगर ये दोनों साथ होते हैं तो उनके बीच के स्ट्रेस और दूरियों को साफ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि श्वेता चाहती थी कि अभिषेक की शादी करिश्मा कपूर से हो। श्वेता और करिश्मा काफी क्लोज फ्रेंड है, इसलिए श्वेता चाहती थी कि करिश्मा उनकी भाभी बने। ऐसे में ऐश्वर्या को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। नंबर पाँच, बहू के लिए ऐश्वर्या नहीं थी पहली पसंद। खबरों के मुताबिक जया बच्चन के लिए बहू के रूप में ऐश्वर्या राय पहली पसंद नहीं थी। वो अभिषेक की शादी रानी मुखर्जी से करवाना चाहती थी। ऐश्वर्या को बहू बनाना उनकी च्वाइस नहीं थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ऐश्वर्या की पॉपुलैरिटी। जया को ऐश्वर्या की पॉपुलैरिटी पसंद नहीं थी। नंबर छह, नव्या नवेली की लव अफेयर्स। बिग बी की नादिन नव्या नंदा अपने बॉयफ्रेंड की वजह से न्यूज में बनी रहती है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान से उनका रिलेशनशिप तब खूब चर्चा में आया जब दोनों का एक MMS लीक हुआ था। MMS में दोनों एक कार में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए नजर आए थे। खबरों के अनुसार नव्या के आर्यन के साथ नजदीकी से पूरी बच्चन फैमिली नाराज थी। नव्या का नाम जावेद जाफरी के बेटे मजीन जाफरी के साथ भी जुड़ चुका है। नंबर सात, शादी के बाद ऐश्वर्या को नहीं दी फिल्में करने की इजाजत। कैरियर की बुलंदी पर शादी के बंधन में बंधने वाले ऐश्वर्या के फिल्मी कैरियर पर शादी के बाद ब्रेक लग गया था। सूत्रों के अनुसार जया बच्चन नहीं चाहती थी कि उनकी बहू फिल्मों में काम करे, इसलिए बच्चन परिवार की तरफ से ऐश्वर्या को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण वो लंबे समय तक फिल्मों से दूर रही। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है। सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको इस चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। आपके मनपसंद की वीडियो इस चैनल पर जरूर अपलोड की जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।